क्या अखिलेश यादव में है लोहिया जैसी चुनौती लेने की हिम्मत? क्या अपने आदर्श की तरह चुनौती पेश कर पाएंगे अखिलेश? क्या सुरक्षित सीट छोड़ योगी के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे टीपू? लोहिया की तरह क्या अखिलेश यादव दिखा पाएंगे हिम्मत? देखिए कौन पूछ रहा है अखिलेश यादव से ये सवाल। देखिए किसने लोहिया जैसा बनने की अखिलेश यादव को दी सलाह। देखिए क्या वाकई अखिलेश यादव इस चुनौती को करेंगे स्वीकार। अक्सर आपने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के मुंह से लोहिया का नाम सुना होगा, वही लोहिया जो जवाहरलाल नेहरू जैसे कद्दावर नेता के भी दांत खट्टे कर देते थे और अच्छे अच्छे नेता उनके सामने आने से कतराते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आदर्श मानकर तमाम नेताओं ने अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाया, जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम सबसे ऊपर आता है। जिन लोहिया के नाम पर सपा नेता वोट मांगते हैं, उन्हीं की तरह बनने की सलाह अब अखिलेश यादव को दी जा रही है और अखिलेश यादव से पूछा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव में वो हिम्मत और ताकत है कि वो अपने आदर्श लोहिया की तरह योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती पेश कर सके। दरअसल राम मनोहर लोहिया वो नेता थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये जानते हुए भी चुनावी मैदान में कूद पड़े थे कि उनकी हार भी हो सकती है, और लोहिया के मैदान में कूदने के बाद सियासत में खलबली तो मची ही थी, साथ ही जवाहरलाल नेहरू के भी लोहिया ने सियासी मैदान में छक्के छुड़ा दिए थे। अब उत्तर प्रदेश में सबसे कद्दावर नेता के तौर पर बीजेपी के लोग योगी आदित्यनाथ को पेश कर रहे हैं और बीजेपी के ही तमाम कार्यकर्ता ये चुनौती दे रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव जिन लोहिया की बात बात पर दलील देते हैं, उनकी तरह हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा सकते हैं। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई सियासी जानकारों का भी कहना है कि क्या वाकई अखिलेश यादव अपने आदर्श की तरह ही योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती पेश करने का मादा रखते हैं। सियासी जानकारों की माने तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की खासियत थी कि बिना लोहिया का नाम लिए उनका भाषण या बयान पूरा नहीं होता था। नेताजी को पहला चुनाव भी लोहिया ने ही लड़वाया था, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कभी लोहिया की तरह चुनावी चुनौती पेश नहीं की। हमेशा सुरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ते रहे और रिकॉर्ड स्तर पर जीतते भी रहे। अब जो चुनौती अखिलेश यादव के सामने पेश की जा रही है, इसका क्या असर होगा वो तो नहीं पता, लेकिन चुनौती के सहारे तमाम लोग सुर्खियां जमकर बटोर रहे हैं और अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के जरिए अपनी पार्टी की मजबूती पर काम कर रहे हैं। देखना ये है कि जो चुनौती अखिलेश यादव के सामने रखी गई है, उस पर वो क्या अमल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।